भाई कहाँ मुस्लिम बड़ हो गया, निखा मतलब लिखा हो गया यहाँ पे शादी शुभ शादी होती है, तो विवाह होता है शुभ निखा इटसेल्फ मीनिंग की मीनिंग उसका इटसेल्फ सेज के समथिंग इट हैज टू बी पॉजिटिव शुभ जहाँ वर्ड आता है वो मगनी वर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है उसके करके शुभ निखा का हम जरूर उम्मीद करते हैं कि इसमें कितना कुछ मैसेज जरूर होगा सर क्या शुभकामना रहेगा आज के म्यूजिक लिए, आज के म्यूजिक लॉन्च इसके बारे में क्या कहेंगे आप, आज शुभकामना क्या देंगे सर आपकी क्या विषय होगी? बहुत सारा दूसरा काम भी करते हैं, बट ही स्टॉप्ड द फिल्म फ्रॉम डे वन एंटिल टुडे, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अर्शद सर। क्या बात है, वो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट सुनने में आ रही है मुझे पीछे से। वन पर्टिकुलर पर्सन इज रियली हैप्पी, बट यस ऑफ कोर्स वी विल टॉक मोर अबाउट द फिल्म, मगर ऑफ कोर्स बिसाइड्स दिस खूबसूरत चेहरा वी आल्सो हैव इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू फेसेस। फर्स्टली Rohit Vikram, ladies and gentlemen, the man in green right now. Along with him, another handsome hunk,
जटा दा मुंडा अर्श संधु लेडीज एंड जेंटलमैन वार्म वेलकम अर्श कांग्रेचुलेशंस राइट सो हमारे साथ बहुत अच्छा दिखाया वो सब कुछ राइट अगर हम सब बनाटकी दिखा देंगे वो एक्टर का क्या बात है इनकी आंखों में प्यार है मुझे लगता है इसके बाद इनको चार रिश्ते आने वाले हैं आज वो भी कबूल है डैडी जी भी नाल बैठे हैं मेरे ख्याल से ओके रोहित सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टेल मी दिस इज द फर्स्ट फिल्म तो बहुत मजा आया सबने बहुत ही मेहनत की है और खास तौर से हमारे जो को-एक्टर्स हैं उनके साथ में काम करने में मतलब अभी जो गाना देख रहे थे हम उसमें जो हाथ फैला रहे थे जो मैं लिनन शर्ट में था शिवम सारी में थी अक्षा तो अभी भी हम वही बात कर रहे थे बैठे हुए कि अब आने वाला तो मतलब आज भी उसके बारे में सोचते हैं ना तो ठंड सी लगने लगती है सीरियसली क्योंकि जब सीन में हम लोग क्या था सर ने बोला था आशा सर ने बोल रहे थे कि एक्शन तो ऐसे हाथ फैला रहे थे गाना गा रहे बोला कट ऐसे कर रहे थे यू नो सो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग अक्षा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कुछ ऐसा एक्साइटिंग मोमेंट फ्रॉम द फिल्म आई थिंक जो रोहित कह रहा है वही दिन की बात है जब हम वो रेड साड़ी वाला गाना कर रहे थे पूरे दिन हमने अच्छे से शूट कर लिया और अर्शद सर और मेरा दोनों का डिसीजन था कि आई शुड बी इन अ रेड शिफॉन साड़ी और बहुत ही मेरा भी बचपन का शौक मैंने पूरा कर लिया मैं हीरोइन बन के शिफॉन साड़ी में मुझे काम करना है तो मैंने वो कर तो लिया पूरे दिन कर तो लिया लेकिन जैसे ही रैप हुआ मैं गाड़ी में बैठी और मैं फेंट हो गई उसमें पांच लोग कंबल लेके आ गए जैसे कहीं आंख बुझानी होती है अर्श हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टेल समथिंग जो हमें ना पता हो इट वाज वेरी नाइस ठंड तो ऑफ कोर्स उत्तराखंड में बहुत है और वहीं का है ना तो हमें तो आदत है लेकिन बॉम्बे आके बॉम्बे का होना ही पड़ेगा एग्जैक्टली फिल्म इसमें बहुत सबने बहुत मेहनत करी है इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं स्पेशली अर्शद सर जिनके वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं स्पेशली डैड जिनके वजह से सब पूरी यूनिट को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ थैंक यू ऑल ऑफ यू यार एक चीज तो पक्की बात है कि अर्श की आंखों में सच्चाई बहुत है एंड द वे इज वर्क हार्ड Amazing, all of you. You guys are fantastic in the teaser and in the songs. But on that note, because हमने इतना नाम सुन लिया है, the man behind. बिल्कुल बिल्कुल. मैं चाहता हूँ कि हम photos कर लें. बहुत सारे सवाल आपके mind में हैं. इंटरेस्टिंग रहे राइट एक तेरा साथ मेरा बर्थडे 13 जुलाई तो मैंने एक तेरा साथ कर लिया थोड़ा यूनिक हो गया मेरी कोशिश होती है स्क्रिप्ट लिखने के बाद कि उसका टाइटल क्योंकि टाइटल जो है वो पहली यूएसपी होती है हमारी जो ऑडियंस को पोस्टर पे अट्रैक्ट करती है टाइटल कोई छोटी चीज़ नहीं फिल्म आप बाद में देखते हैं तो शुभ निकाह ये क्रॉस कल्चर लव स्टोरी है तो फिर ऑब्वियसली शुभ विवाह शुभ निकाह एक ही मीनिंग है दोनों का तो ये लोगों को लेकिन पूरी एक टाइटल में ही आपको पता चल जाता है कि स्टोरी क्या होगी उमूमन लोगों ने ये सुना है कि शुभ विवाह होता है तो शुभ निकाह क्या है तो यहाँ पे पूरी स्टोरी समझ में आती है अब ये बना कैसे है आगे कैसे इसका प्ले चल रहा है कितना इंटरेस्टिंग है ये देखने के लिए फिर वो एक क्यूरियोसिटी तो बनी रहती है बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी स्पेकुलेशंस ऑलरेडी माइंड में है जैसा कि मैंने बिफोर दी teaser launch I had this done with the audiences but khair aapke mind mein picture banti rehni chahiye kya hone wala hai shubh nikah mein wo aapko jaldi pata chalega but on that note our special guest sharad malhotra ladies and gentlemen sharad bhai aapko kaisa laga because aap to popular face hain aapko to log tv mein dekhte hain sadkon pe aapka selfies chal rahi hoti hai main dekhta hu lokon wala back road mein aap jaate hain chupke se walk karne but people like mob you sometimes for pictures and all right that happens so now you as an audience aapko ye teaser gaane kaise lage देखिए मेरा शुभ निकाह तो हो चुका है बट ऑन दैट नोट आई थिंक मैं हमेशा सर से कहता था कि अपना टाइम आ गया क्या बात है बहुत खूब एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट पहली बार जब सर ने कहा शुभ निकाह मेरे भी कान खड़े हो गए तो मैंने पूछा शुभ निकाह क्यों तो इन्होंने कहा जब देखोगे तब समझ में आएगा तो मैंने एक्चुअली फिल्म देख ली है
But for you guys, it's a very nice film on that. You guys have done a great job. All three, Arsh, especially you. I love the innocence, jo abhi bhi aap mein hai, aur wo film mein bhi dikh rahi hai. Akshara Khair, I think everyone knows the kind of work you do. Rohit, all the best. Baki, I think the entire cast and crew, the DOP is very good, sir. Fantastic. And obviously, the captain of the ship needs no introduction. He's my favorite, everyone knows. One of the finest technicians, guys, we have here. And this is what the world will get to see once this releases. This was long due. So, all the very best. And I'm not paid to say all this, trust me. I mean every word. This guy is brilliant. Okay? बहुत खूब. मुझे बस डर था कि मुझे गाने बहुत अच्छे लगे. एक्चुअली लियाकत भाई हैं आगे. क्या बात है, वेरी वेल सेड. हमें बस यही था अर्षद भाई को कि बस स्टोरी का कोई स्पॉइलर ना निकल जाए. मुझे फिल्म देखी रही है, बोलने वाला था फिर मैं रुक गया. मैं क्लाइमेक्स बोलने वाला था फिर राइट. Very well, sir. Sharad bhai ke liye zordar taaliyan ho jaye. Thank you so much for coming. All we are very very excited kyunki Arshad sir ki film hai aur unke sath kafi baatein kari hai humne is bare mein. So I'm super super excited to watch because we were shooting in Kashmir and we were having something about it, sir. You remember? So yeah, I'm super excited to watch this film and songs definitely amazing. You guys have done amazing job. And Arshad sir, as usual, I'm excited again. I don't. Thank you so much. All the best to everyone. Very well said. I think this man is really an inspiration to listen to, and we really had a discussion yesterday, and he was telling me one story how this film happened. So, main chahta hu paaji, if you could just share, je tusi saanjha kar sakte ho media dena, it will be great. जो मिला है आज मुझे, ये बहुत हैप्पी है. मैं कभी सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि मैं इस स्टेज पे पहुंचूंगा, और मुझे बहुत आप लोगों से प्यार मिला. और मेन जो खास मेरे लिए मेरे अर्शद भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है. क्या बात, क्योंकि हम एक छोटे से उत्तराखंड के काशीपुर गाँव के लोग हैं, किसान आदमी हैं, और मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं. उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पहुँचेंगे, फिल्म रिलीज भी करेंगे. इस इंडस्ट्री में आते हैं लोग और ख़त्म भी हो जाते हैं और पढ़ भी जाते हैं. मेरे साथ पहले कुछ हो चुका है, मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा, बट ये अर्शद भाई ने मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाकर खड़ा करा. और तीसरी फिल्म मेरी ये जो पूरी हुई है, दो मेरी कंप्लीट है अभी इस इंडस्ट्री में आने, और इन्होंने मुझे साथ दे के यहाँ पहुँचाया. मैं इनका कभी भी शुक्रिया इतना अदा करूँगा कि कोई भूल नहीं पाऊंगा इनको. और मेरे सबसे पहले मेरे पापा से ये वादा करके आए थे, जो मेरे इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी एक ब्लेसिंग है और उनकी एक यादगार फिल्म है, मेमोरी है हर संधू बेटे के लिए. क्या बात, बहुत प्यार करते थे वो, और उनको मेरे पापा को ये वादा करके आए थे कि सर मैं फिल्म बनाऊंगा और रिलीज भी करूंगा. इन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया है. मुझे इन पे बहुत बहुत लफ्ज नहीं है बोलने के लिए, बट फिर भी हिम्मत करके मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ. अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर भी सकते हैं आप लोग सब. तो पहली बार स्टेज पे माइक पकड़ा है मैंने, कभी ऐसा मौका नहीं मिला. थैंक यू सर, सबका बहुत धन्यवाद. मैं एक्चुअली थोड़ा सा इमोशन में बह गया था, प्लस बिल्कुल डिफरेंट अवतार में आज, तो मुझे थोड़ा सा पहचान में नहीं आ रहा था. सो अर्पित, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म, व्हाट द लव दैट यू हैव पुट इनटू दिस फिल्म. अर्शद सर को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं और बहुत दिन से टाइटल के बारे में सुन रहे थे. फिर अभी एक दो महीने पहले हमने इसका प्रीव्यू किया, और जो इसका कंटेंट है, जो अर्शद सर ने फिल्म बनाई है, बहुत ही बैलेंस फिल्म बनाई है. कंटेंट देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको रिलीज करेंगे. फिर बस आज लॉन्च रखा है, आज म्यूजिक लॉन्च भी हुआ है. इसका पहला गाना मलंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च हो चुका है,
तो आप सब लोग YouTube पे जाइए, गाना देखिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनको फोर्स नहीं किया कि भाई मेरी फिल्म है तो आप कर लो, बाकायदा इन्होंने देखी फिल्म और अप्रिशिएट की, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, इन्होंने भी जो इनका जेन्युइन रिएक्शन था दिया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं सर इसको करते हैं, और जिस तरह से ब्रांडेक्स कंपनी, ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट अभी इस क्रूशल टाइम में थिएटर के रिलीज में जितनी एग्रेसिवली काम कर रही है, आपने देखा होगा लास्ट दो फिल्में भी रिलीज की, अभी आगे भी लाइन जाता है, तो इनके लिए मैं खास तौर पे इनका शुक्रगुजार हूँ, अर्पित जी का, और इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। फिल्में यहाँ बहुत सी बना के लोग बैठे हुए हैं, आपको भी पता होगा 300-400 फिल्में रखी हुई है अभी रिलीज के लिए जी। ठीक है, थैंक्स थैंक्स अर्पित, बहुत खूब। इसके साथ ही इनके एसोसिएट प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। लहद में आशिके बेजार जब करवट बदलते हैं, लहद में आशिके बेजार जब करवट बदलते हैं, शमी हिलती है सब में से उसे भूचाल कहते हैं। इस फिल्म का यही जिस्ट है। सुख विवाह हो सकता है, निकाह हो सकता है, Why not शुभ निकाह, क्यों नहीं। निकाह के शुभत्व को बढ़ाने वाला शुभ निकाह है। असल जिगी जी से हमारा बड़ा पुराना संबंध है, मैं तो राजनीति से आया हूँ, विधायक रहा हूँ भाजपा का, लोकसभा भी लड़ चुका हूँ प्रतापगढ़ से, और इस समय केंद्र सरकार में कंज्यूम फोरम में मैं डायरेक्टर हूँ केंद्र का। लेकिन एक पैशन हमारा, एक फीलिंग, एक अपील इस कला के क्षेत्र में, इस क्रिएटिविटी के क्षेत्र में रही, जो मुझे पहली फिल्म मेरी अर्शद जी ने निर्देशित किया और प्रियासु चटर्जी उसमें मेन लीड में थे, ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS। शरद मल्होत्रा जी बहुत अच्छे मित्रों में हमारे, बहुत उनको मानता हूँ मैं। अर्शद जी में खास बातें, संधु जी प्रोड्यूसर हैं, सबसे खास बात यह है कि इन्होंने एक तेरा साथ, मेम साहब, लाल सलाम, और इनकी फिल्म, हमारी फिल्म, फिर इनकी फिल्म, जितनी फिल्में इन्होंने ली, ये ध्यान से सुनने की बात है, एक भी फिल्म कहीं डिब्बे में नहीं गई, ये सबसे खास बात। रिलीज किया इन्होंने, अभी भाग्य की बात है, ऊपर वाले की मर्जी पर कितना हम प्राप्त करते नहीं करते, कमर्शियली कितना गेन करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एज डायरेक्टर, जो एक्शन को डायरेक्ट कर वो डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर अच्छा सिद्दीकी जी, मेहनतकश, जिम्मेवार, गुणी और लगनशील है, जो मैं इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, और मेरा आशीर्वाद भी इनको, ब्लेसिंग्स भी ऊपर वाले की है कि आगे बढ़ने का समय आ गया। हम तो, हमारे घर में नीम का पेड़ है, लेकिन अब लगता है कि उसमें आम के फल लगने वाले हैं। क्या बात, समुद्र मंथन से अगर अमृत निकल सकता है शरद जी, समुद्र मंथन से अगर अमृत निकल सकता है, तो हमारे मंथन से शुभ निकाह नहीं निकल सकता क्या। याद दाद देती है गर्दिशें दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से उलझता है, मौत झुक झुक सलाम करता है। ये वो फिल्म है, ये जो अर्श है, संतु जी का बेटा, उनके रिलेशन से पीछे खड़े हुए हैं, जर्मनी से आए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। इसमें अर्श जो है फर्श से अर्श पर जाएगा, आप सबकी राय है कि इसमें जो है सेंटिमेंट्स हैं, मैंने भी ये वॉच किया, और ये जो रोहित मिश्रा जी, रोहित विक्रम हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत किया है, फर्स्ट लॉन्चिंग इनकी है, और जो मेहनत इन्होंने किया वो काबिल तारीफ है। फिल्म देखिए,
फिल्म तक जाए हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कुल मिला के कह रहे हैं जो वायरल होना था वो हो गया। मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को, इन्होंने कड़ी मेहनत कर आज आपके सामने, और आपसे भी मैं शुभकामनाएं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग फिल्म को पसंद करेंगे। आज इस टीजर का एक अच्छा कार्यक्रम, आप इसे पॉपुलेट करेंगे, मीडिया को मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ आए हैं। और आप इस फिल्म के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये फिल्म इसका टाइटल धार्मिक है लेकिन इसका एक ही धर्म है, मानवता, ह्यूमैनिटी को बेस करके ये फिल्म बनाई है। इसका सारा फ्लो जो है वो ह्यूमैनिटी का है, नाम में मत कंफ्यूज होइएगा कि शुभ निकाह है, ये जरूर दो रिलीजन की स्टोरी है, लव स्टोरी है, लेकिन जाइएगा देखिएगा कि ह्यूमैनिज्म कितना हैवी है इस फिल्म में, और ह्यूमैनिटी को बेस बना के ये फिल्म बनाई है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद मुझे भी। और ये whether any second thoughts, कुछ दूसरी चीजें ज़हन में आई थी जब आप ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे, you know, the kind of script it was supposed to be and what we are watching actually on the screen. इसके अलावा जो टाइटल भी है, of course, बहुत सारी चीजें ज़हन में आती होंगी I'm sure जब आप लिख रहे थे कहानी है पूरी, तो whether any second thoughts when we were working on the project? कहानी में दूसरी चीजें ना आ जाए, कुछ अलग तरीके से। अभी मुझे आपका सवाल कंट्रोवर्शियल तो देखिए क्या है कि अल्लामा इकबाल साहब का एक जो उन्होंने उनके वर्ड्स हैं जो लिखा है सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें लिखा है उन्होंने मजहब नहीं सिखा था, जो हम क्या जब से मतलब हमारी पिछली पीढ़ियों से भी लोग सुनते आ रहे हैं, मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जब सब हमारा है तो पराया क्या है, मुझे ये बताइए ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया जा रहा है? तो इसको कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो इसमें कितना बिलीव कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था, अभी आप देखें अगर तो हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अनेकता में एकता, यही तो हमारे देश की पहचान है ना, और अगर एकता का प्रतीक शुभ निकाह नहीं होगी तो और क्या होगी, यही होगी एकता का प्रतीक, सिर्फ वर्ड में नहीं, अनेकता में एकता लिखने से तो काम नहीं चलेगा, विजुअली भी आपको उसको दिखाना होगा, लोगों को समझाना होगा। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे एज अ मेकर, एज अ राइटर, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रही कि जब भी क्रॉस कल्चर लव स्टोरीज हमने काम किया है तो उसमें वॉयलेंस इतना डाल दिया है, सोसाइटी का रिएक्शन इतना डाल दिया है कि जो जो ह्यूमन फेस था, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं अड़ोस से, पड़ोस से, दोस्तों से, वो सब कहीं जाकर के डाइल्यूट हो जाते हैं और बिल्कुल सोसाइटी का अग्रेशन ही उसके ऊपर आता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे मौका मिलेगा कभी इस तरह की कहानी लिखने का, तो मैं उसमें एंटरटेनमेंट, पीस, फन, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस, वो डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे लक्ष्मी नारायण पांडे जी, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे मेन साहब के प्रोड्यूसर कैलाश शुक्ला, भूपिंदर सिंह संधू साहब, मेरे दोस्त, मेरे एक्टर शरद मल्होत्रा, प्रियांशु, मेरे जितने भी हम सब साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं साथ में, तो हम साथ में फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिल्म की कहानी में हम साथ में हैं तो उसमें क्या इशू क्या है? शूट तो हम कर रहे हैं लेकिन कॉन्टेंट में हम खुल के नहीं आ रहे। तो मैंने कोशिश की एक बहुत बैलेंस्ड फिल्म बनाने की, और प्यार से बड़ा कोई मजहब नहीं है मेरा ये मानना है। एक डायलॉग है फिल्म में कि अगर रोहित का नाम उसमें मुन्नालाल मिश्रा है और अक्षा का जोया फराज, तो उसमें एक डायलॉग है कि मुन्ना और जोया अगर प्यार करेंगे तो मजहब और धर्म भी प्यार करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। दो लोग नहीं प्यार करेंगे तो फिर रिलीजन भी प्यार नहीं करेगा, फिर दिखावा। तो इस आई ट्राइड की मेक अ पीसफुल फिल्म, और मुझे लग रहा है ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, मेरा यकीन है कि ये बहुत अच्छी लगेगी और ये अप्रिशिएट करेंगे, सोचेंगे कि यार पहले क्यों नहीं बनाई ऐसी, क्योंकि इसमें कोई वायलेंस है ही नहीं, थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा है वो भी एक जस्ट ग्लिम्स है। फिल्म पूरी तरह से रोमांस पे, प्यार पे, लव पे बेस्ड है, एंड प्यार से बड़ा प्रेम ही ईश्वर है सर। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को कहीं से भी हर्ट नहीं किया गया है, प्योरली इट्स अ लव स्टोरी
जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ और खत्म हो गए। लेकिन अरशद भाई उसके बाद भी कुछ तबका है जो कहता है लव जिहाद, आपकी फिल्म भी कहीं कहीं से लव जिहाद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मैंने आपको अभी कहा कि देखिए लव जिहाद ये जो चल रहा है मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को इसमें हर्ट नहीं किया गया है, किसी भी मतलब सिर्फ यही कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई हम जमाने से सुनते आ रहे हैं, तो फिर रिश्तेदार भी हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, रिश्ता और गाढ़ा करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बाकी नहीं रह जाए। लेकिन सर एक तबका है जो तकलीफ होती है जो अक्सर ये तबका है सर जो तकलीफ होती है अक्सर सर घर में, तो अगर पांच भाई होते हैं तो एक भाई को तकलीफ होती है तो इससे पूरा घर तो नहीं चलेगा ना, घर तो और चार भाई हैं ना तो समझ लेंगे पांच छह भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अर्शद भाई यो ओवर यू सुहेल, यस मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू लग रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से एक फिल्म आती है जो हम जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग द एंटायर कास्ट इज आल्सो वेरी गुड, लाइक यू नो आई लाइक्ड इट। वही मेरा क्वेश्चन थोड़ा वहीं से आ रहा था कि जो लव जिहाद की बात है इन दिनों स्पेशली लाइक यू नो अभी जैसे पठान को लेकर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ इश्यूज उस फिल्म को भी, जैसे शाहरुख खान की फिल्म है उनको, यशराज की फिल्म है उनको इश्यूज आ सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में इवन फॉर द स्टार कास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो कहीं पर थोड़ा सा एक फिल्म को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि रिलीज पे है हमारी फिल्म है, और फिर जब लव जिहाद की बात करते हैं कुछ तबके के लोग तो कहीं पर किस तरह से यू नो थोड़ी सी घबराहट होती है, मे बी आई एम फ्रॉम इवन दे कैन शेयर द थॉट्स। थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग द फिल्म। मेरी पहली फिल्म लाल सलाम थी, मैंने लिखी थी तो उसमें भी बुरा लगा था, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आपको मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे ना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज किसी को बुरी लगेगी, जो फिल्म देखेगा वो खुश होगा, उसको लगेगा यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई। नहीं नहीं आई एग्री, जो तुमने टीजर देखा था तो बिल्कुल ही मतलब यू नो वेरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो कुछ भी दिखाया इट रियली टचेस योर हार्ट, बट लोग है ना बहुत पहले ही चीजों को लेकर बस ऐसे ही है ना वो है उसको, जब आप कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो लोग उसको क्रिटिसाइज तो करते हैं, वो आपको फेस तो करना पड़ेगा, तो मैं वो फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं बता सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक थॉट आया, प्रोड्यूसर को अच्छा लगा, एक्टर्स को अच्छा लगा, हम सब ने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बनाई वो फिल्म, अभी सेंसर में जाएगी, वहाँ से अप्रूव होगी, ब्रांडिंग पार्टनर हमारे अपने जो प्रोड्यूसर और मार्केटिंग पार्टनर हैं वो फिल्म रिलीज कर रहे हैं। अब सर कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, हम गाड़ी लेके निकलते हैं घर से, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। तो फिल्म सेंसर अभी तक सेंसर में नहीं, फिल्म सेंसर नहीं हुई, अभी सेंसर में जा रही है, अभी तो कंप्लीट हुई है, जस्ट म्यूजिक हम लोग पहले लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग कॉन्फिडेंट है कि म्यूजिक बहुत अच्छा है तो हम पहले से प्रमोट करेंगे म्यूजिक, और फिल्म अभी सेंसर में जानी बाकी है। शायद भाई यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो म्यूजिक और टीजर को देख के आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था यहाँ पे लेफ्ट जी 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 आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने टीजर देखा, जब म्यूजिक सुना, खास करके म्यूजिक इज क्वाइट अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन जी। सो देखिए पहली बात ये म्यूजिक लॉन्च आप लोगों के लिए है, मतलब मीडिया के लिए है, जो भी हमारी मीडिया फैमिली है आप लोगों के लिए है। मैं म्यूजिक बहुत पहले सुन चुका था और म्यूजिक में पहले दिन से ही मैंने सर से कहा है कि म्यूजिक पहली बात तो म्यूजिक हम कहते हैं इज अ फूड ऑफ लव, ठीक है, जब म्यूजिक अच्छा होता है फिल्म का तो कहीं ना कहीं एक जो हम जो कहते हैं ना द बैटल जो होता है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत बैटल को हम जीत लेते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फिल्म के लिए। तो आई थिंक म्यूजिक जैसे हम सब ने देखा, सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आई थिंक जो सिंगर्स हैं, आई थिंक प्लस अर्शद सर हिमसेल्फ खुद इनका ही इज अ वेरी गुड ईयर फॉर म्यूजिक, तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे सर कहते थे नहीं अच्छा नहीं है नेक्स्ट सुनाओ, तो यू नो काफ़ी गानों को सुनने के बाद जब आप फाइनली फिल्टर करके ऐसे गानों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं तो यार कुछ ना कुछ सही लगता ही है फिर, और आई एम श्योर द म्यूजिक इज़ अमेजिंग, आई एम होपिंग कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा वायरल हो। प्लीज़ जैसे प्रोड्यूसर साहब ने कहा इनके चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, नहीं नहीं सीरियसली बिकॉज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम गाने को सुनेंगे उतना ऑब्वियसली वायरल होगा, और अच्छी चीज़ को वायरल करने में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम इतनी अनशन चीज़ों वायरल करते हैं, जो अच्छी चीज़ें आप हमारे सामने हैं, लोगों ने इतनी मेहनत की है, कास्ट एंड क्रू हैज़ वर्क सो हार्ड, हमारी मीडिया फैमिली जो है उनको कहीं ना कहीं इतना अच्छा लग रहा है, तो आई एम श्योर कल जब रिलीज होगी फिल्म तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो कोई है सिंगर विंगर गा दो यार कुछ एक
अरे हमारे पास एक खास बात जो हमने आपसे शेयर की, शायद यहाँ पे मौजूद है अली असलम शाह। अली आइए स्टेज पे आ जाइए, दो लाइनें आप लियाकत भाई आइए स्टेज पे, दो लाइनें आप जो है वो ये सिर्फ ऑन स्क्रीन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है बल्कि इन्होंने प्लेबैक भी दिया है अक्षा ने इसमें। इधर आ जाओ लियाकत जी, बहुत बहुत कमाल का, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत ही इनके शब्दों में जो दम है वो हमने बड़े पर्दे पे देखा अभी फिलहाल। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि अरशद जी का बहुत साथ रहता है और हमेशा ये जब फिल्म प्लान होती है उस वक्त ये मेरे साथ पूरी फिल्म डिस्कस करते हैं तो मेरे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। इससे मैं भी एग्री करता हूँ, शो से पहले मेरे साथ भी बैठे थे तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज है डायरेक्टर के लिए, बिकॉज बैक ऑफ द स्टेज ये एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है। जी लियाकत जी, बहुत खूब, इतना आराम से आपने बताया, मुझे पता है उसके पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अरशद जी अगला मेरी कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं अक्षा पे गाना। एक लाइन हो जाए, दो लाइन हो जाए। मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑटो ट्यून नहीं है। जिंदा ही था पहले ये दिल, तुझसे मिला तो जीने लगा, खामोश था बेजुबान, सौ बातें मुझसे करने लगा, अब जाके सांसें मेरी हो रही रवा, आंखें जो तूने धड़कनों को छुआ। मैं 5 साल की उम्र से यहीं पर मतलब इसी के लिए मेहनत कर रही हूँ एंड हर बार जब कोई प्रोजेक्ट बाहर आता है उतनी ही एक्साइटमेंट, उतनी ही नर्वसनेस, उतना ही एंग्जाइटी, क्योंकि हम करने के टाइम तो हम कर लेते हैं, बाद में जब ऑडियंस के सामने आती है बात तब चीज़ें बदल जाती है। तो हमने पूरी मेहनत की है एंड इट्स एन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग टाइम फॉर अस, स्पेशली दिस फिल्म, बिकॉज इट्स टेकन अस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक दिस फिल्म और कोविड भी बीच में आया था एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी सफर्ड थ्रू इट, तो बहुत ही नर्वस है, बहुत ही एक्साइटेड है एंड वी जस्ट होप यू लव इट। अक्षा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, ओटीटी में आप लगातार एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं, आपने नीश बना लिया अपना, एक फैन फॉलोइंग है, जब पहली बार इस फिल्म की कहानी आपको सुनाई गई तब क्या रिएक्शन था, और दूसरा जैसा मैं बोल रहा हूँ आपकी एक फैन फॉलोइंग अलग बन चुकी है, जब फिल्म आएगी बड़े पर्दे पर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जो आपकी फैन फॉलोइंग बनी है उसको एक लेवल और आगे लेकर जाएगा? जी, कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं रहता, इनफैक्ट आई एम द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एवर, बिकॉज आई साइन फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स ऑन इंस्टिंक्ट और फॉर मी आई हैव टू फील कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट, आई हैव टू फील कनेक्टेड विद द डायरेक्टर। इनफैक्ट जब पहली बार मैं अरशद सर से मिली थी और उन्होंने मुझे ये फिल्म नरेट की थी, आई थिंक पहले ही मीटिंग में हमारा एक कनेक्ट बन चुका था एंड उनको मुझ में जोया दिख रही थी और मुझे आई वॉज वेरी कन्विंस दैट आई वॉन्ट टू वर्क विथ हिम। तो आई थिंक जो ये सारी बातें चल रही थी, लव जिहाद और ये सारी चीज़ें, मतलब आई नो इट्स शुभनिका एंड रिलीजन आ जाता है बीच में, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी एंड आई एम श्योर दैट जब आप फिल्म देखेंगे, रिलीजन इज नॉट द टॉपिक दैट वी आर ट्राइंग टू टारगेट, वी आर ट्राइंग टू टारगेट लव, आई थिंक दैट्स व्हाट यू गाइस विल गेट टू सी व्हेन
watch the film, and that's what I saw. So mere liye bahut hi exciting project hai, and I wish that you all like it. Next, yeah. Hello. मेरा जो कैरेक्टर है वो जैसा कि सर ने बताया कि मुन्नालाल मिश्रा है, मैं जो मेरा जो कैरेक्टर है यूपी का लड़का है और बहुत ही लविंग लड़का है, मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो जो भी उससे प्यार से बात करता है वो उसका हो जाता है, अपने फैमिली वालों से भी बहुत प्यार करता है और जब जोया से प्यार किया तो बेइंतहा मोहब्बत की, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो बहुत ही प्यारा लड़का है और एक्सपीरियंस जैसा आपको बताया था मैंने अभी ठंड में शूट किया था हम लोगों ने वहाँ पे जाके, जैसा एक्सप्लेन बताया मैंने कि अभी भी ठंड लगने लगती है जो सॉन्ग के बारे में याद करके, तो या इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग। यार जो मिले उससे प्यार करते जाओ, आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी के ट्रेडिशनल जी बहुत ज्यादा, मतलब हमको अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए, आई मीन अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी भी सुननी चाहिए, आई मीन दैट्स इट। से मेरा सवाल है अर्श, अर्श सर अर्शद भाई इस फिल्म के साथ यू आर इन प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, सो कैन यू आर राइट, सो कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर आल्सो वी यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स, या फिर आपका जो यू नो एक एक्टिंग जो हमने अभी देखी बड़े पर्दे पे आगे भी इससे भी कुछ प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं ये टीम के? सर वो तो देखना ही है, इसके बाद मेरी लॉन्चिंग है सर के साथ, सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म को, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं पहले शुभनिका के बारे बता देता हूँ, मैं सर के साथ फर्स्ट मीट किया था ओशीवारा में ऑफिस में, तो सर ने बोला कि एक फिल्म शुरू करते हैं, सर ने टाइटल बताया शुभनिका, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे आपको भी सबको लग रहा है। फिर मैंने डैड से मतलब बात करी, फिर डैड मुंबई आए, फिर फ्रॉम डैड बिगिन हो गया, फिर हमारी ये बात हुई कि डैट टाइम आई वॉज नॉट ट्रेंड, आई वॉज लर्निंग, सो इसमें मैंने कहा सर मैं आपके साथ सीखूंगा, अभी मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपके साथ सीखूंगा फिर आप मुझे आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, I think I love his innocence and would be honest with him. हमारा लोकेशन बहुत अच्छा दिया अर्शद भाई ने, और अपना प्रोड्यूसर साहब ने और सब फैसिलिटीज दिया, और प्रॉपरली टाइम के हिसाब से शूटिंग भी किया, तो कहानी बहुत अच्छा था, अच्छा डिस्कशन हुआ, प्लानिंग अच्छा हुआ, तो फोटोग्राफी भी अच्छी हुई। ओके ओके ओके